ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गोमती चक्र से आप बहुत सारी बाधाओं के भंवर जाल से उबर सकते हैं। मैं अलग अलग बाधाओं के लिए गोमती चक्र के इस्तेमाल के बारे में आपको बताऊंगा। जीवन में अनेक तरह की बाधाएं हमारा पीछा करती हैं। कुछ बाधाएं तो हम स्वयं सुलझा लेते हैं, कुछ चिकित्सा जगत सुलझा देता है और कुछ के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। गोमती चक्र एक ऐसा ही पत्थर है जो मनुष्य को बाधाओं के भंवर जाल से उबार लेने में सक्षम होता है। उसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई, जब देव और दानव मंदराचल पर्वत मत रहे थे। रगर व गर्जना से पृथ्वी व्याकुल होकर गाय के रूप में भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुई और अपनी पीड़ा कही। भगवान ने अपना चक्र चलाया और समुद्र में चक्रवाती गोलाकार तरंगे उठने लगी। उसके भंवर में फंसकर मद्रांचल भी पृथ्वी से ऊपर उठकर बड़ी तेजी से घूमने लगा। उसकी सतह से अनेक मणि, बहुमूल्य वस्तुएं, शंख आदि निकलकर बाहर आने लगे। उसके गर्जन से कुछ कीमती रत्न, पत्थर आदि पिघलकर पानी के ऊपर आ गए और धीरे धीरे ठंडा होते गए। समुद्र में बड़ा भंवर बन गया जिसमें घूम घूम कर ये वस्तुएं गोल होती चली गई और इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि भंवर हल्का होने लगा। अंततः मंथन रोकना पड़ा। जल के निचले सतह यानी जल के भीतर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो रत्न धातु मिला उसे गोमती चक्र कहा गया। यह मूल रूप से गोमती नदी में मिलता है और बहुत सस्ता होता है। समुद्र मंथन के दौरान घर्षण व रासायनिक संयोग के चलते इसमें अद्भुत शक्तियों का समावेश हो गया। माना जाता है कि वरुण देवता वो पृथ्वी माता के आशीर्वाद से इसमें तमाम तरह की बाधाएं समाप्त करने और धन संपदा में वृद्धि की शक्तियां प्रवेश कर गई। तंत्र शास्त्र के पंडित इसे सिद्ध करके और दिव्य बना देते हैं। कुछ लोग इसे स्वतः सिद्ध बताते हैं लेकिन कुछ लोग के अनुसार इसे सिद्ध करने के लिए होलिका दहन, दीपावली, अमावस्या और नवरात्र में इसकी विशेष पूजा की जाती है। अभी गोमती चक्र के लाभ मैं आपको बताता हूं। गोमती चक्र मानसिक शांति प्रदान करने के साथ ही रोग और भय से मुक्ति दिलाता है, दरिद्रता का नाश करता है, अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान का मार्ग हो जाता है, जैसे मुकदमा, प्रीत बाधा, संतान, धन प्राप्ति में आड़े आ रही बाधाओं को दूर करता है। घर में हमेशा सुख शांति के लिए गुरु पुष्य योग, सर्व सिद्धि योग और रवि पुष्य योग में इसकी पूजा करने का विधान है। मारण, सम्मोहन, वशीकरण, अस्तंभन, उच्चाटन, व्यापार वृद्धि, स्थिर लक्ष्मी, शत्रु भय और रोग आदि में इसका जो प्रयोग है बहुत प्रभावी रहता है। यदि इसे अभिमंत्रित कर लिया जाए तो इसका प्रयोग 100 गुना बढ़ जाता है। अभी गोमती चक्र के प्रयोग में आपको बताता हूं। शत्रुओं को परास्त करने के लिए शत्रु के नाम में मौजूद अक्षरों की संख्या में गोमती चक्र लें और उस पर शत्रु का नाम लिखकर जमीन में गाड़ देने से शत्रु परास्त हो जाते हैं। अभी 10 गोमती चक्र लेकर रात को पानी में डाल दीजिए। सुबह उसे पी लेने से अनेक प्रकार के असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, मानसिक शांति मिलती है और उदर रोगों में लाभ होता है। फिर नौकरी में प्रमोशन के लिए एक गोमती चक्र भगवान शिव को अर्पित करके कामना कीजिए कि प्रमोशन हमारा हो जाए और आपके प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। घर में सुख शांति के लिए एक डिब्बी में लाल सिंदूर रखें और उसमें गोमती चक्र डालकर रख दीजिए। पत्नी पत्नी के बीच में, पति और पत्नी के बीच में अनबन खत्म करने के लिए 3 गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण दिशा में हलुम बलजाद कहकर फेंक देने से लाभ मिलता है। शत्रु को मित्र बनाने के लिए होलिका दहन के दिन गोमती चक्र में थोड़ा सिंदूर लगाकर शत्रु का नाम लेते हुए उसे जलती हुई होलिका दहन में फेंक दीजिए। हमेशा बीमार या अस्वस्थ रहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी माह की चतुर्दशी के दिन पूजा घर में सफेद रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र रखें और सफेद चंदन से उसका तिलक कर भगवान मृत्युंजय से अपने स्वास्थ्य की कामना करें। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जप के बाद 6 चक्र उठा लें और किसी निर्जन स्थान पर जाकर 3 चक्र अपने ऊपर से निछावर करके फेंक दीजिए पीछे की तरफ। पीछे मुड़कर नहीं देखें और सीधे चलते आगे निकल जाइए। बचे 3 चक्र शिवलिंग पर चढ़ाकर प्रणाम करें और घर आ जाइए।
घर में बचे शेष पांच चक्रों में चार को चांदी के तार के साथ पलंग के चारों पायों में बांध लें और एक चक्र को ताबीज की शक्ल में गले में बांध कर धारण कर लीजिए। फिर अगर आपको नजर उतारना है तो नजर उतारने के लिए किसी भी माँ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पूजा गृह में माँ दुर्गा का चित्र रखकर उसके सामने लाल या हरा रेशमी वस्त्र बिछाएं और उस पर 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र रखें। रोली आदि से तिलक करके 5 अगरबत्ती जलाकर माँ दुर्गा को दिखाएं। इसके बाद माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप कर अगरबत्ती से गिरे बभूत को गोमती चक्रों का तिलक करें। नवमी के दिन 3 चक्र नजर लगे व्यक्ति को नछावर करके घर के दक्षिण दिशा में फेंक दें। हरे वस्त्र में 1 चक्र बांधकर माँ दुर्गा से स्पर्श कराकर गले में ताबीज के रूप में धारण करें। शेष सभी चक्रों को नजर लगे व्यक्ति के पुराने धुले कपड़ों में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। यदि किसी को जल्दी जल्दी नजर लगती है तो 5 गोमती चक्र लें, 5 गोमती चक्र लीजिए और सुनसान स्थान पर चले जाएं। वहां 3 चक्रों को अपने ऊपर 7 बार निछावर करके फेंक दें और बिना पीछे देखे निकल जाइए। शेष चक्रों को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर बच्चे रात में बहुत डरते हैं तो बच्चे का भय दूर करने के लिए किसी भी माँ के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को 1 अभिमंत्रित गोमती चक्र हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने से पहले हनुमान जी के दाएं कंधे की सिंदूर से गोमती चक्र का तिलक कर देना चाहिए। अर्पित करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में धारण करा दीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी यदि बरकत नहीं हो रही हो तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र लें। पूजा घर में माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें और उसके सामने पीला रेशमी वस्त्र बिछाकर गोमती चक्र उस पर रखते हैं। उसे रोली से तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान से अपने घर में अस्थायी निवास करने के लिए निवेदन करें और स्मृति की प्रार्थना करें। तत्पश्चात हल्दी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 माला जाप कीजिए। जब सवा महीने नियमित होना चाहिए, जब के अंतिम दिन किसी वृद्ध या फिर 9 वर्ष से कम उम्र की बच्ची को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा कीजिए। यदि व्यवसाय में घाटा हो रहा हो या अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा हो तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 3 गोमती चक्र, 3 कौड़ी और 3 हल्दी की गांठे को अभिमंत्रित कर पीले कपड़े में बांधकर जहां पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए। वापस सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टोटका है। यदि व्यवसाय में घाटा हो रहा हो या अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा हो तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 3 गोमती चक्र, 3 कौड़ी व 3 हल्दी की गांठ को अभिमंत्रित कर पीले कपड़े में बांधकर जहां पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए। अचानक आरती खाने से बचने के लिए किसी भी माह के प्रथम सोमवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को पीली या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर रखिए। उसका हल्दी से तिलक करने के बाद माँ लक्ष्मी को स्मरण कीजिए और बांधे हुए गोमती चक्र को लेकर पूरे घर में घूमे और बाहर लेकर किसी मंदिर में उसको रख दीजिए। फिर आशातीत आर्थिक सफलता के लिए अभिमंत्रित गोमती चक्र और काली हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर रखा जाता है। अधिक खर्च से बचने के लिए शुक्रवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र पीले या लाल वस्त्र पर रखकर उसकी धूप दीप से पूजा करें। दूसरे दिन उसमें से 4 गोमती चक्र घर के चारों कोनों में गाड़ दें। 13 चक्रों को लाल वस्त्र में बांधकर उन स्थान पर रख दें। बाकी बच्चे गोमती चक्र अपनी समस्या के निराकरण की कामना के साथ किसी मंदिर में चढ़ा दें। यदि अप्रत्यक्ष शत्रु ज्यादा हो और व्यवसाय पर किसी की काली नजर लग गई हो तो 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र के 3 छोटे नारियल गोमती चक्र और 3 छोटे नारियल को पूजा करने के बाद पीले वस्त्र में बांधकर घर के दरवाजे पर लटका दें। गोमती चक्र को चांदी या अन्य धातु के डिब्बे में सिंदूर और चावल मिलाकर रखने से फल शीघ्र मिलता है। व्यापारिक सफलता के लिए 2 गोमती चक्र को कपड़े में बांधकर दुकान के दरवाजे पर लटका दें। 11 गोमती चक्र पूजा घर में रखकर उसके सामने श्री नमः का जाप करने से आमदनी बढ़ती है। किसी महिला को बार बार गर्भ गिरने की समस्या हो तो 2 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर उस महिला के कमर में बांध दीजिए, समस्या दूर हो जाएगी।
मुकदमे के सिलसिले में घर से निकलने के पूर्व घर के बाहर गोमती चक्र रखें और उस पर दया पाव रखकर आगे बढ़े तो सफलता मिलती है। बच्चों को नजर से बचाने के लिए गोमती चक्र चांदी में जड़वाकर उसे गले में पहनाना चाहिए। दो गोमती चक्र घर की मुखिया के ऊपर से घुमाकर आग में डालने से घर से भूत प्रेत सारे के सारे भाग जाते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।